हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनसीन पैसेज का, और दिस टॉपिक इज यूजफुल फॉर द ऑल स्टूडेंट्स हु हैव अनसीन पैसेज इन देयर एग्जाम, राइट। ये कोई ये नहीं है कि दिस इज ओनली फॉर द 10th क्लास और 12th क्लास, दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव टू फेस अनसीन पैसेज इन देयर एग्जाम, राइट। अनसीन पैसेज, सबसे पहले तो मैं आपको एक मेन जो ट्रिक है वो बताऊंगी कि एग्जाम में जब भी जैसे एग्जाम में क्या होता है, थ्री सेक्शंस में आपको मिलता है, ठीक है। पेपर होता है जो आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। जो सेक्शन ए होता है वो हमेशा पैसेज का होता है, ठीक है। तो जो हमारा 2022-2023 तक जो हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, वेदर इट इज़ अ 10th क्लास और वेदर इट इज़ अ 12th क्लास, तो आपके पास 20 मार्क्स का ही ये सेक्शन है, ठीक है। 20 मार्क्स का ये सेक्शन है जिसमें से आपके पास टू पैसेजेस आते हैं, ईच पैसेज कैरीज 10 मार्क्स, राइट। और अब तो इतना इजी हो गया है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन होते हैं वो किस में आते हैं, मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में आते हैं। पहले क्या होता था कि आपको वन मार्क्स की फॉर्म में लिखना होता था, कि आपको आंसर लिखना होता था पूरा फुल सेंटेंस में, बट नाउ यू हैव टू टिक अ वन आंसर आउट ऑफ फोर आंसर, ठीक है। तो अब आपको मतलब इजी हो गया है, लेकिन डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा। कि पहले तो क्या होता था कि जब अगर पूरी लाइन लिखते थे तो उसमें से हाफ मार्क्स तो मिल ही जाता था, बेशक से आप कैसा मर्जी लिखते थे। लेकिन अब क्या है कि अगर आपका बाई चांस आपका ऑप्शन गलत हो गया तो आपको पूरा ही गलत हो गया, आपको हाफ मार्क्स का तो चांस नहीं है। लेकिन ईजी ये हो गया है कि आपके पास फोर ऑप्शन तो एटलीस्ट, कि आपको चॉइस तो करनी है, सिर्फ चार में से ही तो करनी है। पहले तो पूरा पैसेज में से करनी होती थी और अब आपको सिर्फ चार में से करनी है, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी आप पेपर में अनसीन पैसेज कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू आप क्या करो, पैसेज पहले करो, ठीक है। आपको एग्जाम में बोर्ड में जो 3 आवर्स का जो एग्जाम होता है उससे पहले आपको 15 मिनट्स आपको रीडिंग के मिलते हैं, तो उन रीडिंग टाइम को अपने यूटिलाइज करना है, आपने उस टाइम में रीड अपने अनसीन पैसेज करना है। कभी भी अनसीन पैसेज को देख के डरना नहीं है, ओह मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, मैं कैसे समझूंगा। आप लिटरेचर पार्ट करना शुरू कर देते हो क्योंकि वो ईजी होता है, वो आपको याद होता है। सिर्फ सेक्शन बी करते हो, लास्ट में जब थोड़ा टाइम रह जाता है सेक्शन ए वैसे ही नहीं कुछ आता पढ़ना, और उसके बाद वो कम टाइम में क्या तो दिमाग काम नहीं करता, वो अपने आप अंदाजे से मार्क करा होता है कि इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। वो तुक्का लगने की बात है कि कहीं पर ठीक भी हो जाता है, कहीं पर गलत भी, ज्यादातर गलत ही होता है जब आप समझ के कोई काम नहीं करते हो, ठीक है। तो आपके पास 15 मिनट्स जो रीडिंग के लिए मिलते हैं वो यूटिलाइज आपने पैसेज में करने हैं। और फिर अगर आपको जो मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी अगर आप उसको मतलब कि फॉलो करते हैं तो वो आपको मिनिमम टाइम भी लगेगा आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये जो 20 मार्क्स होते हैं इसको बिल्कुल भी लाइटली लेकर नहीं चलना कि आपने कि इसकी प्रेपरेशन नहीं करनी, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपके पास आपने सैम्पल पेपर खरीदा हुआ है, जितने भी उसमें अनसीन पैसेज आए हुए हैं वो आपने एक बार गो थ्रू होना है, उनमें आपने उनको सॉल्व करके देखना है जो अभी ट्रिक बता रही हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा ये अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है, अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है, या कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, कि एग्जामिनर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहा है कि आप कितना चीज को अंडरस्टैंड करते हो। लिटरेचर पार्ट से तो पता लग गया कि उसको लिटरेचर की कितनी नॉलेज है, राइटिंग स्किल से पता चल गया कि बच्चे को कितना राइट करना था, लेकिन अनसीन पैसेज से पता चलता है कि इंग्लिश को वो कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, कितना कॉम्प्रिहेंड कर रहा है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब ही अंडरस्टैंड करना होता है, कि वो कितना समझ पा रहा है किसी पैसेज को, ठीक है। तो जो आपको पैसेज को सॉल्व करने के सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रिक क्या होती है, कभी भी इतना बड़ा जो पैसेज पेपर में आपको मिलता है उसको देख के बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, पैनिक नहीं होना। आपने क्या करना है, जो उसमें आंसर दिए होते हैं और आंसर के ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्लैक और बोल्ड अक्षर में लिखा होता है रीड द पैसेज केयरफुली, या रीड द क्वेश्चन आंसर केयरफुली, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स को रीड करना है, देन यू विल रीड द पैसेज। क्योंकि आप क्या करोगे, पूरा पहले पैसेज पढ़ोगे, आप फिर क्वेश्चन से पढ़ोगे, इतना भूल जाओगे कि क्या पैसेज में था। तो बेटर क्या होगा, आप पहले सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टू क्वेश्चंस पढ़ो, ठीक है, और फिर आप पैसेज रीड करो। जब आप पैसेज रीड करोगे तो आप क्या करोगे, आपको माइंड में ये रहेगा कि मैंने ये क्वेश्चन ढूंढना है, ठीक है। और क्या होगा, जैसे आपके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं वो 100% क्या होते हैं, स्टार्टिंग के पैसेज में होते हैं। ये नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लास्ट पैसेज में मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टार्टिंग के टू क्वेश्चंस आपको पैटर्न सीक्वेंस में होते हैं, लॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, कि आपको स्टार्टिंग के ही उसमें पैराग्राफ में जो फर्स्ट टू और थ्री क्वेश्चन है उसके आंसर आपको मिल जाते हैं,
ठीक है, देन आप उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करोगे जब आपको ये हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने फर्स्ट टू पैसेज हो गए, इसमें से आपको नहीं मिलेंगे, जो थर्ड लास्ट के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लास्ट के पैसेज में मिलेंगे। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर वो क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिसमें से वो आधे से ज़्यादा घंटा तो वहीं पर ही लगा देते हैं, फर्स्ट पैसेज पर लगा देते हैं, फिर सेकेंड पैसेज भी सॉल्व करना होता है, फिर उनको टेंशन होने हो जाती है कि भाई हमारा तो इतना सारा पेपर पेंडिंग पड़ा हुआ। तो बेटर क्या है, आप पहले क्वेश्चन आंसर रीड करें फिर उसके बाद आप उसको पैसेज को रीड करें, ठीक है। एक तो तरीका आपका ये होता है जो सबसे ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि जो आपका जो वोकैबुलरी बेस्ड होता है, वोकैबुलरी बेस्ड का क्या होता है कि जैसे कोई भी वर्ड आपको दिया हुआ उसका आपने अपोजिट देखना है, तो आपने क्या है कि जो भी पैसेज आपने किया हो उसमें जो वर्ड्स हैं जो ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उनमें से देख लो भी। अब जैसे क्या होता है कि सभी वर्ड तो किसी को भी नहीं आते होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ही जो ज़्यादा ही नॉलेज होती है जिनको उनका, ठीक है, लेकिन क्या होता है हर वर्ड की जरूरी नहीं होता कि हर वर्ड की इंग्लिश की हिंदी अगर आती है, लेकिन क्या होता है पूरी लाइन जब आप पढ़ते हो तो उसे कुछ तो मीनिंग निकलता ही, कुछ तो समझ में आता ही होगा ना आपको। तो जब आप उसको मीनिंग को देखोगे, आप उसका मीनिंग समझो, ठीक है, मान लो आपको उसको मीनिंग ही नहीं पता, ठीक है, लेकिन जहाँ वो सेंटेंस जहाँ वो वर्ड आपको पैसेज में मिल गया आप उसको मीनिंग समझने की कोशिश करो, थोड़ा ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। जैसे जो वर्ड बिल्कुल ही नहीं आता आप सोचो वही, फिर तो वही मार कराओ कि मुझे बाकी के तो आंसर पता ही है कि इनका वर्ड्स का ये मीनिंग है, जो डिफिकल्ट होगा तो इसका मीनिंग यही होगा, यही तरीका होता है, अदरवाइज तो कोई और तरीका नहीं है। वो तो जो वोकैबुलरी होती है वो याद करने से ही आती है, ठीक है, उसमें कोई और इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं होता है कि, ठीक है, कोई और तरीका नहीं होता है, जस्ट यही होता है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक पैसेज लिखा हुआ, मैं रीड करती हूँ कि मदर टेरेसा वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन, राइट, एंड दिस मीन्स शी डिड थिंग्स। अब ये देखो, आपने एक तरीका तो ये रहता है कि आप स्टार्टिंग की फर्स्ट टू लाइन्स पढ़ लो, नहीं बेटर तो क्या है जो मैं आपको सबसे पहले वीडियो शुरू करने शुरू होते ही मैंने आपको बताया है कि बेटर तरीका तो क्या था, क्वेश्चन रीड करो, ठीक है। देखो आप सिर्फ मैंने 3 क्वेश्चन राइट किए क्योंकि ये जो बोर्ड है बोर्ड की लेंथ ब्रेथ के अकॉर्डिंग अब सारा पैसेज तो नहीं आ पाएगा, ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही पैसेज किया है, राइट डाउन किया है इसके ऊपर और 3 क्वेश्चन लिए, और 3 क्वेश्चन आप देखना सिर्फ 2 मिनट्स लेंगे, 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, काउंट करके देखना कि कितना टाइम लगेगा। मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन रीड किया जल्दी से, मदर टेरेसा वॉज कॉल्ड डैश बिकॉज हिज एंटायर लाइफ वॉज डिवोटेड टू हेल्पिंग द पुअर, ठीक है, मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया कि मदर टेरेसा वॉज कॉल्ड, कि मदर टेरेसा को क्या कहा जाता है, ऑप्शन भी दे दिए, फिलैंथ्रोपिक ह्यूमैनिटेरियन सिंपथाइजर एमर्सिपल, राइट। तो अब सिंपल अब पढ़ो पैसेज पढ़ो कि मदर टेरेसा वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन, दिस मीन्स शी डिड थिंग्स टू हेल्प आउट अदर पीपल। अब देखो यहीं से क्लियर हो गया है कि मदर टेरेसा क्या है, ह्यूमैनिटेरियन है। पहली बात तो बिल्कुल ही, जैसे हम बिल्कुल ही कहते हैं ना कि एक सिंपल सा तरीका है, आप यहीं से देख लो कि ऑप्शन में क्या है, फिलेंथ्रोपिक है, ह्यूमैनिटेरियन है, सिंपथाइजर है, मर्सीफुल, आपको पता लगे कि ये वर्ड है यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन है, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन, तो इट मीन्स यही होगा। और भी जो थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हो तो अगली लाइन में यही लिखा हुआ है कि वो जितनी भी सारी चीज़ें करते हैं दूसरों को हेल्प करने के लिए करती है, और यही यहाँ पे लिखा है कि उसने सारी लाइफ क्या कर दी है, अपने डिवोट करने में कर दी है, यही चीज़ आपको ह्यूमैनिटेरियन वर्ड का मतलब है। अगर मान लो ह्यूमैनिटेरियन का मतलब ही नहीं पता, आपको जरूरत ही नहीं है मतलब करने की, आपको जस्ट पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में देखा आपने कि भाई ऑप्शन देखो, साथ में ऑप्शन भी देखो, अब तो ऑप्शन लो और भी अच्छा तरीका है कि आपके पास ऑप्शन मिल गए हैं। पहले तो क्या होता था कि लिखना ही पड़ता था, बच्चा सोचता था ह्यूमैनिटेरियन का मतलब पता नहीं क्या होता, तब तो कन्फ्यूज हो सकते, तब तो कन्फ्यूज होने का चांस ही नहीं है। अब ये देख लो ह्यूमैनिटेरियन है यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन ह्यूमैनिटेरियन में कोई और वर्ड नहीं, तो दैट मीन्स यही आएगा, बस इजी। सेकेंड क्वेश्चन, मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन यूस्टन, कोई प्लेस है, ठीक है, नाउ नोन एज, अब देखो हमें देखना है कि उसका बोर्न वाला देख लो, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो। और दूसरी चीज, जो भी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इसमें कीवर्ड क्या बना, बोर्न देखना है, इसमें क्या है कि मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को अंडरलाइन कर लिया और कॉल्ड हुआ। अब पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई में अंडरलाइन नहीं करने देते, लेकिन पेंसिल अपने साथ में हल्का फुल्का सा स्लाइटली आप उसको कर सकते हो, डॉट डॉट लगाने में कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई नहीं कुछ कहता आपको। तो फिर क्या होता है कि अब देखो इसमें मदर टेरेसा वॉज बोर्न कर लिया, आपका माइंड कहेगा बोर्न है भाई, बोर्न मतलब पैदा हुआ, तो हमने क्वेश्चन के पैसेज में वही चीज़ ढूंढनी है, बाकी अलतू फलतू छोड़ दो इसको, ठीक है, जैसे हर एंटायर लाइफ वॉज डिवोटेड, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें तो इसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मदर टेरेसा वॉज बोर्न, मतलब ये 2 लाइन्स पढ़ने में तो वेस्ट ही नहीं करना आपने, मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन, अब ये तो ठीक है, ये वाला प्लेस है यहाँ पे, ओटोमा एम्पायर,
एंड फिर आगे देखो, ऑन 26 अगस्त 1910 दिस सिटी इज नाउ कोल्ड स्कोप्जी, तो अब ये वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे स्कोप्जी यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब इसमें डेट देख लो कि इसमें डेट कौन सी मेंशन की थी, 26 अगस्त 1910, ठीक है, तो 1910 किसमें था भाई, किस ऑप्शन में था, इसमें था, इसमें था, इसमें था, तो बस सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, शी वेंट टू आयरलैंड टू लर्न डैश एट द लोरेटो एबे, कोई प्लेस है अभी वो, और कौन सी लैंग्वेज लर्न करने के लिए गई थी आयरलैंड में। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा था कि हर फादर डाइड, इसका कोई मतलब नहीं है, सैन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। शी जॉइंड द सिस्टर ऑफ लॉर्ड, ये भी पढ़ने की जरूरत है, लाइन पूरी मत पढ़ो, जब लग रहा है ना कि जैसे कीवर्ड आपको इसमें नहीं मिला तो उसको टाइम ही मत वेस्ट करो पढ़ने में, ठीक है। शी फर्स्ट हैड टू लर्न इंग्लिश, शी वेंट टू आयरलैंड टू लर्न इंग्लिश, अभी देखो यहीं से 2-3 लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल ही, अगर और भी जल्दी करना है स्पीड से करना। अभी देख लो कि आयरलैंड है, आयरलैंड वर्ड देखना अभी पैसेज में कहा है, यहाँ पे अभी आयरलैंड वर्ड पैसेज, तो यहाँ पे सही बस यहीं से पढ़ना शुरू करो, आयरलैंड टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पे आपका आंसर मिल गया और यहाँ पे आप इसका टिक कर लो, कितना ईजी है देखो बिल्कुल करना, ठीक है। आपने क्वेश्चन करना है फिर पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चन में भी सबसे बेस्ट तरीका है आप उसमें कीवर्ड को हल्का हल्का सा अंडरलाइन करो, ज़्यादा टाइप मत करना नहीं तो एग्जाम में आपको फिर टोकेगा, आपने हल्का सा अंडरलाइन करना है और फिर आपने क्वेश्चन में देखना, वही बिल्कुल भी पूरा पढ़ने की टाइम वेस्ट नहीं करना पैसेज को, बिल्कुल आपने वो लाइन है तो स्किप ही कर दो जिसमें आपका क्वेश्चन आंसर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि कोई आपको खड़ा करके ये नहीं पूछ रहा कि इस लाइन का क्या मीनिंग, आपने क्या समझा है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं कोई पूछता, आपको जो समझ में आना चाहिए आपका वो तरीका कोई भी आप यूज कर सकते हो, और ये सबसे बेस्ट तरीका है, और आपने इसको फॉलो भी करके देखना प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस आट लगाओगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से 3 क्वेश्चन करें, इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे जो मैंने ऐप में से ही लिए थे, मतलब कि नेट से ही उठाए हैं, तो उसमें से आगे बेशक से यही पैसेज आप टाइप करोगे तो पूरा ही निकल जाएगा आपका गूगल पे, और आप करके देख लेना बिल्कुल यही है, ठीक है। मतलब मैंने फर्स्ट पैसेज सोल्व किया, इसी तरीके सेकंड और थर्ड पैसेज भी था इसमें, वो आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ बताना रह गया होगा, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर बच्चे, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगी कि आपने पेपर अटैम्प्ट करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, लेकिन फिर भी मैं पैसेज की बता देती हूँ। पैसेज जब आप राइट कर रहे हो तो आप उस पर बहुत अच्छे से क्लियरली मैंशन करोगे कि फर्स्ट पैसेज है, ठीक है, फर्स्ट पैसेज है और उसका पार्ट ए है, फिर उसमें भी आप नंबरिंग पे बड़ा ध्यान अच्छे से करोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में जो नंबरिंग दे रखी है ना वो आपने वही लिखनी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर टू यू, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि एक टीचर के लिए यही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसको उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी वर्डिंग्स लिखी जाती हैं। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।